नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भाट पार रानी। रउआ सभे के यूट्यूब चैनल पे स्वागत बा। ए वीडियो के शुरुआत के कुछ लाइन भोजपुरी भाषा में बा। काहे कि हाले में विश्व भोजपुरी भाषा दिवस मनावल गई है। आज के ई वीडियो भोजपुरी भाषा के इतिहास तथा वर्तमान स्वरूप पे आधारित बा। यह वीडियो में आप लोगन के भोजपुरी भाषा से जुड़ल ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई, तब बनल रही वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। दोस्तों भोजपुरी भाषा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। 7वीं सदी के आसपास उज्जैन के राजा भोज प्रमाण के वंशजों ने वर्तमान भोजपुर नामक ग्राम को अपनी राजधानी बनाई। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति यहीं से हुई है। भोजपुरी की वर्तमान पृष्ठभूमि की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, उत्तरी झारखंड, नेपाल के तराई क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह व्यापक स्तर पर बोली जाती है। दोस्तों गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 से 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते तथा समझते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 जिले, बिहार के 15 जिले, झारखंड के 3 जिले, नेपाल के 8 जिले तथा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन क्षेत्रों के लोग जो बड़ी संख्या में देश के अन्य इलाकों तथा विदेशों में बसे हुए हैं, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तथा फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले यह एक स्वतंत्र भाषा थी, जिसे कैथी लिपि तथा देवनागरी लिपि में लिखा जाता था। भारत आज़ाद होने के बाद इसे हिंदी की उपभाषा में शामिल कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी भाषा का अपना इतिहास, साहित्य, व्याकरण, कविता, कवि, लेखक भी हैं। संत कबीरदास जी, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी भोजपुरी के सबसे बड़े हस्ती हैं। प्रत्येक वर्ष संत कबीरदास जी के जन्म दिवस के दिन भोजपुरी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भोजपुरी की अपनी फिल्म इंडस्ट्री तथा इसके गाने जो टॉप ट्रेंडिंग में रहते हैं। हाल ही में टाटा IPL में भोजपुरी कमेंट्री शामिल की गई, जिसने व्यूअरशिप के मामले में इतिहास रच दिया। इसके साथ ही गूगल ट्रांसलेट टेलीकॉम कंपनियों के कस्टमर केयर में अंग्रेजी, हिंदी के साथ भोजपुरी का भी विकल्प है। साथ ही 20 से ज़्यादा डिजिटल टेलीकॉम नेटवर्क चैनल का भी भोजपुरी के विकास में अहम योगदान है। इसके बावजूद अभी तक भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है। दोस्तों 40 से ज़्यादा सांसद जो भोजपुरी भाषी हैं, जिनमें कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से भी हैं, उनके द्वारा भारतीय संसद में कई बार इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवाज़ उठाई गई। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। लंबे समय से करोड़ों भोजपुरी भाषियों का आस बरकरार है। दोस्तों आपको ये परियोजना कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में, किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हमें महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर महादेव।